अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, क्लास चल रही है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और आज तक जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास के 14 लेक्चर कर चुके हैं। दोस्तों, पिछली क्लास 14 से जो है हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था प्रोजेक्ट डिसीजन के हवाले से, कि हम अपना डिसीजन कब चेंज करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। और उसमें हमने 2-3 फैक्टर्स देखे, जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइमिंग की बात की, प्रोजेक्ट कैश फ्लो की बात की और प्रोजेक्ट ऑप्शंस की बात की। दोस्तों, वक्त की किल्लत की वजह से पिछली क्लास में हमने सिर्फ एक फैक्टर कैश फ्लो के ऊपर बात की थी और उस कैश फ्लो की जो हमारी 3 अकसाम थी उसमें एक्सटर्नलिटीज था और बाकी 2 अकसाम थी उसके ऊपर बात की। दोस्तों, आज की इस क्लास 15 का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइमिंग के हवाले से। आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या चीज़ें कवर अप की थी। तो दोस्तों, हमने प्रोजेक्ट के हवाले से बातें शुरू की हैं और ये पूरे का पूरा कोर्स जो है प्रोजेक्ट और डिसीजन और फाइनेंस के ऊपर है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रोजेक्ट कैश फ्लो की बात की, उसमें हमने कैश फ्लो की 3 जो अकफाम हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें फंक कॉस्ट है, उसमें हमारे पास एक्सटर्नलिटीज है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको देखा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम टाइमिंग और प्रोजेक्ट कंपैरिजन की बात करेंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो हमारी क्लास वहीं पे ख़त्म करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइमिंग के ऊपर, कि प्रोजेक्ट टाइमिंग का जो है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने की या किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की, तो उसमें जो टाइमिंग है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइमिंग का पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइमिंग बेसिकली होती क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट टाइमिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और प्रोजेक्ट टाइमिंग की हम बार बार बात क्यों करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइमिंग से मुराद ये है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने लगें या इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगें, हमें ना सिर्फ कैश फ्लो को बल्कि इसकी टाइमिंग को भी मद्देनजर रखना है कि वो कितने टाइम पीरियड का होगा, कितने अरसा पे मुहित होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, कब जो है हमने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोजेक्ट टाइमिंग के अंदर आती हैं। दोस्तों, जैसे हमने अपना कैश फ्लो पढ़ा, उसकी हमारी 3 अकसाम थी। जब हम लोग प्रोजेक्ट टाइमिंग की बात करते हैं या टाइमिंग की बात करते हैं तो इसकी भी 3 अकसाम हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली किस्म है वो इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट है, द सेकंड वन ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगली जो लास्ट हमारे पास है वो टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। अब देखें, ये नाम से ही जाहिर है चीजें, इनिशिएशन कि आपने उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कब किया या शुरू कब किया, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट के उस प्रोजेक्ट के अंदर या वो प्रोजेक्ट किन किन मरहाहिल से गुजरा, और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी नाम से जाहिर है कि आप वो प्रोजेक्ट कब ख़त्म करेंगे या वो प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा जिसको आप शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 1 by 1 जो है इनकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, के इनिशिएट कब होगा। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो इसको इनिशिएशन कहते हैं, और प्रोजेक्ट की इनिशिएशन इस वक्त होती है जब हमारा इनिशियल कैश फ्लो अकर होता है।
जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इसके लिए हमें सरमाए की जरूरत होती है, इसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है, इसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। इसके लिए हम या तो शेयर इशू करते हैं या अपनी जो हमारे पास कैश इन हैंड है उससे हम शुरू कर लेते हैं, या हमारे पास अगर कोई एसेट मौजूद है, कोई पुराना एसेट पड़ा हुआ है, उसको हम फेल आउट कर देते हैं। जब भी हम किसी एसेट को फेल आउट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू देखते हैं। बुक वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जो आपकी उस एसेट की बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखी जाती है। इसके बारे में हम शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। तो जब भी हम किसी एफर्ट को फेल करने लगते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा वो एफर्ट जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा कीमत पर फेल हो जाए, और जब ऐसा होता है तो उस सूरत में हमें कैपिटल गेन होता है, मतलब मुनाफा होता है। अब ये जो हमारा कैपिटल रेज हुआ है या ये जो हमारा कैश फ्लो आया है, इसके ऊपर भी टैक्स लागू होता है, क्योंकि ये हमारा फेल या रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कैपिटल गेन को भी इग्नोर कर देते हैं, और जो हमारा पुराना एफर्ट है हम उस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं और हम एनपीवी निकाल लेते हैं। जब हम इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं तो दोस्तों हमारे उस एनपीवी के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है या उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन हम पहले से ही उस प्रोजेक्ट को है या तो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं या हम रिजेक्ट कर चुके होते हैं, इसलिए जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने लगें या उसको रिजेक्ट करने लगें या उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो हमें इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट को सबसे पहले देख लेना जरूरी है कि इसमें कोई ऐसा एफर्ट्स तो नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई कैपिटल गेन हुआ है और उससे हमें कैश फ्लो जनरेट हुआ है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइमिंग के हवाले से। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जिसको हम लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कह रहे हैं। दोस्तों जब भी हम नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें हम कैश फ्लो को देखते हैं या सेल को देखते हैं या इनकम को देखते हैं, और उसके साथ हम उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, वो भी साथ कंसीडर करते हैं। और फिर हम उस कैश फ्लो जनरेटेड, जो हमारा कैश फ्लो है, उससे हम एमपीवी निकालते हैं। मगर इसमें कुछ ये होता है कि हम इसमें काफी सारी जो कॉस्ट हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक नया एफर्ट खरीद रहे हैं क्योंकि हमारा जो पुराना एफर्ट है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो यूजफुलनेस है, या जो उसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है, या जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो इतनी कम हो गई है कि हमें उसको बेचकर नया एफर्ट खरीदना है। तो हम उस पुराने एफर्ट को फेल आउट करके नया एफर्ट खरीद लेते हैं। जब हम नया एफर्ट खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि पुराने एफर्ट से नए एफर्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। जब हमारे पास पुराना एफर्ट था तो हमारी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी या जो डेप्रिसिएशन रेट था वो भी कम होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम एनपीवी निकालते हैं तो हम इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे एनपीवी के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट को जो है पहले से ही एक्सेप्ट कर चुके होते हैं या रिजेक्ट कर चुके होते हैं और फैसला कर चुके होते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में हमने फैसला करना हो और उसकी एनपीवी निकालना हो तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को देखना जो है वो जरूरी है, और उसके अंदर जो कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे हमारी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कोई फंक कॉस्ट है, उनको भी रिलेट करना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें करने से पहले हमें लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को भी देखना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों जैसे नाम से फायदा है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट से मुराद जो ये है कि आपके उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो हमारे एफर्ट हैं वो एक खास कीमत पर फेल आउट होंगे। इसकी जिस कीमत पे वो फेल आउट हो रहे हैं उसको हम रेविडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं।
अब इससे क्या होगा, इससे भी हमारा कैश फ्लो जनरेट होगा। तो हमने जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका हम एनपीवी पहले से निकाल चुके हैं और हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर चुके हैं उस एनपीवी की बेस पे। अब एनपीवी को निकालने के लिए हमें कैश फ्लो की जरूरत होती है और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमें कैश फ्लो जनरेट हुआ है इन शेप ऑफ रेजिडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो हमने उस प्रोजेक्ट की जो टर्मिनेशन है उसको देखना बहुत जरूरी है। उससे जो है हमें उस प्रोजेक्ट से जो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट होगा उसका पता चलता है और फिर हम जो एनपीवी निकालेंगे वो हमारी ठीक एनपीवी होगी और फिर हम उस प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में या उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों ये है हमारी प्रोजेक्ट की टाइमिंग और उसमें हमने वो तीन पॉइंट पढ़े, एक इनिशिएशन है, एक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है और एक टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट है। अब इस पूरी डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों इस पूरी डिस्कशन से कंक्लूजन ये निकलता है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें या इसमें इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले हम तीन चीजें, इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये जो टॉपिक हैं टाइमिंग ऑफ प्रोजेक्ट के हवाले से, इनको सबसे पहले देखें और फिर हम कैश फ्लो जनरेट करें और फिर हम उसके ऊपर एनपीवी निकालें और फिर उस एनपीवी के बेस के ऊपर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में या उसको शुरू करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने बात की अपनी प्रोजेक्ट टाइमिंग के हवाले से। दोस्तों आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हमारी डिस्कशन प्रोजेक्ट के ऊपर जारी रहेगी और हमारा जो लास्ट टॉपिक प्रोजेक्ट कंपैरिजन या प्रोजेक्ट ऑप्शन रह गया उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए और मोहसिन भाई का चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मोहसिन भाई को अगली क्लास 16 तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।